हेलो लवली लेडीज़, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज बात करेंगे दूसरी तिमाही के बारे में। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही की तरह ही दूसरी तिमाही भी हर महिला के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस समय भ्रूण के सभी अंग पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और भ्रूण का आकार पहले के मुकाबले बड़ा हो जाता है। ऐसे में गर्भवती महिला का पेट बाहर की ओर दिखने लगता है और दूसरी तिमाही में शिशु के छोटे छोटे बाल आने शुरू होते हैं और शिशु माँ के पेट में हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है। यही वो समय होता है जब एक औरत को अपने पेट में हलचल का अनुभव होता है। दूसरी तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाते हैं। इस समय प्रेग्नेंट महिला को अपनी डाइट का खास ध्यान देना चाहिए और सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कई महिलाओं की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही ज़्यादा आसान होती है। दूसरी तिमाही में मिसकैरेज का खतरा कम होता है। दूसरी तिमाही 14 से 27 सप्ताह तक चलती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण कम होने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान दूसरे लक्षण भी सामने आते हैं, जैसे पेट में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ पैर में ऐंठन, कब्ज, लो ब्लड प्रेशर और शरीर में दर्द, भूख बढ़ जाना, जैसे कई नए लक्षण बॉडी में आते हैं। दूसरी तिमाही में महिला को हर चौथे हफ्ते डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए और इस दौरान डॉक्टर ब्लड प्रेशर, वजन, डायबिटीज़ की जांच, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड आदि करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।